ललितपुर के पाली में किशोरी के साथ दुष्कर्म की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब मेहरौनी पुलिस का एक नया कारनामा सामने आ गया है, जिसमें एक महिला को आरोप कबूल करवाने के लिए पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। देखिए यह रिपोर्ट। मामला ललितपुर के मेहरौली थाने से सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि चोरी के शक में दो पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ बेरहमी से पिटाई की और उसे कमरे में बंद करके थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। महिला ने बताया उसे झूठ चोरी के आरोप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई थी। इसके बाद मेहरौनी थाने में तैनात महिला दरोगा और मुंशी ने उसके साथ ज्यादती करते हुए प्रताड़ना दी और महिला से चोरी का जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया। यह मामला तूल ना पकड़े, इसके लिए पीड़िता को थाने लाया गया और पति पत्नी के बीच विवाद बताकर शांति भंग मामले में बीमार पति सहित उसके खिलाफ कार्यवाही तक कर दी गई। लेकिन फिलहाल मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से पुलिस उच्चाधिकारियों ने जांच के आदेश देते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी महिला दरोगा और आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। चोरी का आरोप लगाकर फिर थाने के लिए एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया, इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना CEO मेहरौनी के द्वारा संपादित की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई गई, इसमें थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में शिथिलता पाई गई है, जिसके कारण उनको भी निलंबित कर दिया गया। सर क्या कारण रहा मारपीट का, क्यों हो रहा है? इसमें जो तथ्य प्रकाश में आया है उसमें ये है कि ये जो इसमें सिपाही था उसके घर से कुछ सामान चोरी होने का उसने आरोप लगाया, उसको शक हुआ कि जो उसके घर पर काम करने के लिए महिला आती है उसने इसको चोरी किया है और इसी क्रम में जो है उसके साथ मारपीट की गई। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, सर की लाना हाजिर किया गया सिपाही को। इसके अलावा महिला दरोगा जो थी इसमें उनको और थाना प्रभारी को, तीन लोगों को इसमें भी सस्पेंशन किया। ललितपुर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.